सीडलिंग बनाने के लिए हमें सोयल तैयार करनी है और ये विंटर फ्लोरिंग फूलों के लिए सीडलिंग बनानी है। ये कोकोपीट है 80% और ये गार्डन सोयल है ये 20% है और इसमें हम आधा चम्मच फंगीसाइड मिलाएंगे। कुछ हमें पॉट्स चाहिए सीडलिंग के लिए और वो ज़्यादा गहरे नहीं होने चाहिए, डीप नहीं होने चाहिए, 3-4 इंच गहरे होने चाहिए। इसमें ड्रेनेज होल करने हैं हमने सब में, जैसे मैंने किए हुए आप किसी चीज़ से कर सकते हैं। मैंने ये थर्माकोल का बॉक्स लिया है और ये मेरे पास कुछ इस तरह के मिठाई वगैरह जो आती है उनके ये डिब्बे पड़े हुए थे। और अगर नहीं करेंगे तो इसमें पानी रुक जाएगा तो हमारे बीज गल जाते हैं, इसलिए हमें ज़रूरी है। और अब इसकी हम सोयल मिक्स करेंगे। मैंने सभी प्लांटर में सोयल फिल कर लिए, तैयार कर लिए हैं और उनके सीड्स भी निकाल लिए हैं। कुछ इस तरह पैकेट इसमें निकले हैं, इसमें कम से कम 50-50 से कम नहीं है, सब में सीड अच्छे सीड्स हैं। ये देखिए सारे गमले मैंने सारे पोट फिलिंग कर लिए कुछ इस तरह और सभी के सीड्स निकाल के रख लिए हैं। अब मैं इनको एक एक करके आपको लगा के दिखाऊंगी। इसमें ये जो पोट है इसमें ये कार्नेशन फ्लावर का सीड लगाऊंगी और इसमें साल्विया का लगाऊंगी और इसमें क्रिस एंथम का लगाऊंगी और इसमें हैलोक्स और इसमें पेंजी के और इसमें एस्टर के लगाऊंगी। ये देखिए सबसे पहले मैं कार्नेशन के सीड्स लगाऊंगी और ये बहुत बारीक होते हैं इसलिए हमें इनको कितने बारीक होते हैं ये हमें धीरे धीरे स्प्रिंकल करना है, जो एक जगह नहीं डालना है, थोड़ा धीरे धीरे ये ऐसे धीरे धीरे एक बीज ऐसे पड़ता चला जाए, ये इस तरह से हमें स्प्रिंकल करना है। ये हमने इसका कर दिया है और अब मैं एस्टर फ्लोवर के और ये भी छोटे से पैकेट में आए थे, मैंने इनसे पैकेट निकाल लिए सब। ये देखो इस तरह के बीज हैं, सीड्स कुछ लंबे से हैं और ये भी ऐसे एक एक दाना हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे ये ऐसे ऐसे, ताकि हमें बाद में जब हम लगाएंगे तो हमें इजी रहेगा इन्हें उठाने के लिए, इनके छोटे छोटे पेड़। ये भी मैं सारे नहीं लगाऊंगी क्योंकि अगर सारे लगा दिए तो छोटा है ना ये, इसमें फिर इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उठाने में प्रॉब्लम होगी। और जो ये सीड्स मेरे बच गए इसको मैं अक्टूबर मंथ में लगाऊंगी, ये मेरी सितंबर की सीडलिंग तैयार हो जाएगी और ये सितंबर में जो है विंटर में जल्दी फ्लोवर आ जाएंगे। और अगर हम सितंबर में लगाते हैं सितंबर के महीने में तो ये जल्दी आ जाते हैं, अगर हम देर से लगाएंगे अक्टूबर में तो वो देर से आएंगे। तो मैं दोनों तैयार करूँगी, सितंबर की भी और अक्टूबर की भी। अब हमें इसमें क्या करना है, हमने सीड्स तो डाल दिए हैं, अब इसके ऊपर हमें एक पतली सी लेयर बनानी है, मोटी नहीं बनानी है क्योंकि बीज बारीक होता है तो वो ज़्यादा अगर हम उसको थिक लेयर लगाएंगे तो वो क्या होगा वो दब जाएगा और वो जम भी नहीं पाएगा और अंदर ही गल जाएगा। तो मैंने क्या ये लिया है कोकोपीट लिया है, उसको पाउडर लिया है बारीक और मैं उसी की लेयर बनाऊंगी। देखिए इस तरह से जो बीज भी ढक जाए और ये देखो ऐसे तो पतली सी लेयर लगानी है हमें, ये मोटी नहीं लगानी है, पतली लेयर लगानी है। और मैंने कोकोपीट जो लिया है पाउडर इसको मैंने छान लिया है छलनी से, इसको भी कवर कर देंगे। अगर हमें थोड़ा सा बीज दिखाई दे रहा है उसको हम धीरे से उंगली से हल्का सा प्रेस कर देंगे, हल्का हल्का, वैसे तो सब में लेयर बन गई है मगर फिर थोड़ा सा दिख रहा है, या उस पर हम थोड़ा सा इसको दोबारे से थोड़ा सा कवर कर देंगे जो हमें बीज दिखाई दे रहे हैं, बीज दिखाई नहीं देने चाहिए इस पर। और अब हम इसको
पानी, इस तरह ये स्प्रे बोतल होती है, इससे हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। पानी ज़्यादा नहीं दूंगी मैं इसको, बस थोड़ा ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रे करूंगी, क्योंकि ये मेरा जो सोयल है इसमें काफ़ी नमी है, पहले से ही काफ़ी नमी है। और इसको मैं पन्नी से कवर कर दूंगी और सेडी एरिया में रख दूंगी, इस तरह कुछ। और इसे हमें तापमान 25 चाहिए, 25 से अगर ज़्यादा मिलता है तो ये जर्मिनेट नहीं होते हैं।